हम हैं नया IBN 7 हौसला है। पंकज गुप्ता और आशीष खेतान ने कई सारे आरोप हमारे ऊपर पहले ही लगाए थे जो उनके शो कॉज नोटिस में लिखे थे। वही लोग हमारे ऊपर फैसला करेंगे। उन्होंने एक आम आदमी की गिरबान में हाथ डाला है। इस बार उन्होंने मेरी गिरबान में हाथ डाला है। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। जितनी उनकी चल अचल संपत्ति है, जितने उनके धंधे हैं, अब इसकी सारी की तहकीकात होगी। आशीष खेतान, जिनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लग चुके हैं, एक पेड न्यूज का आर्टिकल SR कंपनी के फेवर में लिखने का, अगर प्रशांत भूषण जी ये साबित कर दें कि मैंने एक रुपए की भी बेईमानी करी है तो मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा, और अगर प्रशांत भूषण जी खुद ये साबित ना कर पाए तो वो सार्वजनिक जीवन छोड़ देंगे। पहले पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से निकाला गया, फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव से निकाला गया, अब चलिए पार्टी से भी निकाल दिया गया है। चलिए कम से कम ये नौटंकी तो खत्म हुई। चारों की गतिविधियां पार्टी के लिए बहुत हानिकारक हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं जिससे पार्टी को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, और ऐसे समय में, ऐसे हालात में उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी से उसकी बुनियाद रखने वाले, उसकी दिशा और दशा तय करने वाले और पार्टी का चेहरा नजर आने वाले चार दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, यानी पार्टी से निकाल दिया गया है। चार दिग्गजों की विदाई के बाद आम आदमी पार्टी के आलोचक इसे आधी अधूरी पार्टी भी कहने लगे हैं। आधी अधूरी पार्टी नाम को खुद अरविंद केजरीवाल ने भी सही साबित करने की कोशिश की है। चुनाव के दौरान वायदों की झड़ी लगाने वाले केजरीवाल अब आधे वायदे निभाने को ही पार्टी की उपलब्धि कहने लगे हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए पार्टी से बाकियों को बाहर किए जाने पर यह खास रिपोर्ट। अब तो यही दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी पर जो लोग काबिज हैं वो अब आप नहीं, एक खाप पंचायत बन चुकी है। कम समय में सत्ता से लेकर विवादों के शिखर पर पहुंचने वाली आम आदमी पार्टी को रोज नए नए नाम भी मिल रहे हैं। पार्टी की बुनियाद रखने वाले दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखाए जाने के फैसले को जहां खाप का फैसला कहा जा रहा है, वहीं पार्टी को आधी अधूरी पार्टी। निकाले गए नेता भावुक भी हैं और गुस्से में भी। पार्टी के संरक्षक रहे शांति भूषण को अपनी विदाई का इंतजार है। मैं इंतजार कर रहा हूं, आप जरा जल्दी कीजिए। आप क्या सो रहे हैं? जल्दी निकालिए, मुझको भी ये तमगा चाहिए। हिटलर की ड्रेस उसको अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। जब उसके तौर तरीके अपना लिए तो ड्रेस से क्यों परहेज? ये संकल्प है, नीड का निर्माण, फिर उस भावना को लेके आगे बढ़ना है, कुछ सुंदर करना है। छोटी लाइन मिटाने के लिए छोटी हरकतें नहीं करनी है, एक बड़ी लाइन खींचनी है। जब दिल्ली के ज्यादातर लोग या तो सो चुके थे या सोने की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त आम आदमी पार्टी से वो फैसला आया जिसका इंतजार ही बचा था। इसमें चौंकाने वाला कुछ भी नहीं था। पार्टी ने प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार और अजीत झा को निकालने का ऐलान कर दिया। इन चारों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। चारों को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। अजीत झा को छोड़कर बाकियों ने सोमवार को ही नोटिस का जवाब दे दिया था। इन सब की गतिविधियों को देखते हुए, जो कि काफी एंटी पार्टी थी और काफी नुकसानदायक हो रही थी पार्टी के लिए, हमने ये निर्णय लिया कि इन्हें अभी पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। जवाब देना इसलिए उचित नहीं समझा क्योंकि इस अनुशासन समिति की वैधता को हम स्वीकार नहीं करते हैं, पर चूंकि उन्होंने खत भेजा है और वो खत जाहिर है कि हमको भेजने से पहले ही उसको वो सार्वजनिक भी कर चुके थे, उसमें जो बातें लिखी थी, तो एक सार्वजनिक चर्चा में वो तथाकथित सो कॉज आएगा तो मैं उसकी प्रतिक्रिया दूंगा।
योगेंद्र यादव ने पार्टी से निकाले जाने को नई लंबी और सुखद यात्रा की शुरुआत करार दिया। हालांकि उन्होंने पार्टी से निकाले जाने को घर से घसीटकर निकाले जाने जैसे एहसास से भी तुलना की। पार्टी से मिले नोटिस के जवाब में बागी कहे जाने वाले नेताओं ने कई गंभीर सवाल भी उठाए थे। सवाल ये कि क्या 28 मार्च को राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद बनी अनुशासन समिति असंवैधानिक नहीं? मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला निर्णायक समिति की अनदेखी कर केजरीवाल ने नहीं लिया? रेल भवन के बाहर धरना देने का कदम पार्टी की सर्वोच्च समिति की सलाह को नजरअंदाज कर नहीं लिया? क्या अपनी मनमर्जी करने वाले लोकतांत्रिक हो सकते हैं? पार्टी को संदिग्ध रूप से मिले 2 करोड़ के चंदे की जांच लोकपाल से नहीं करानी चाहिए थी? क्या अनुशासन समिति में पंकज गुप्ता और आशीष खेतान को मनचाहे नतीजों के लिए नहीं लाया गया? प्लांटेड खबर लिखने वाले आशीष खेतान को दिल्ली डायलॉग कमीशन का अध्यक्ष क्यों बनाया गया? इन सवालों के जवाब तो नहीं आए, लेकिन सवाल करने वालों को पार्टी के बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया। इसे क्या माना जाए, लोकतंत्र या कुछ और? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो आम आदमी पार्टी से 4 बाकियों को निकाल दिया गया है। कभी पार्टी का चेहरा बने इन दिग्गजों को पार्टी से जिस तरीके से बाहर निकाला गया है, उससे बहुत सारे सवाल भी उठने लगे हैं। ये सवाल हम उठा रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये कि क्या एक तरफा तरीके से बाकियों के खिलाफ फैसला लिया गया? दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या बाकियों के खिलाफ की गई बदले की कार्रवाई? एक और सवाल हो रहा है कि जिन्होंने आरोप लगाए उन्हें ही अनुशासन समिति में क्यों रखा गया? बड़ा सवाल ये भी है कि प्रशांत योगेंद्र गुट के आरोपों की जांच क्यों नहीं करवाई गई? एक और सवाल है कि पार्टी से निकालने से पहले क्यों नहीं लगाए प्रशांत पर भ्रष्टाचार के आरोप? अगर लगाए गए थे तो उस पर पार्टी ने क्या किया? बड़ा सवाल ये भी है कि क्या आशीष खेतान पर लगे आरोपों की पार्टी जांच कराएगी? एक और सवाल है, क्या आम आदमी पार्टी दूसरों से जरा सी भी अलग बची रह गई है या फिर नहीं? तो क्या आम आदमी पार्टी बाकी आधी अधूरी पार्टी बन गई है, जिसमें ना तो पूरी तरह से पारदर्शिता बची है और ना ही पूरी तरह से अपनी बातों पर खड़े रहने का मौका? आम आदमी पार्टी जैसे बन चुकी है? आम आदमी पार्टी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है तमाम खास मेहमान। परिचय में आपका करवा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इसके अलावा दिल्ली से आम आदमी पार्टी के नेता और योगेंद्र समर्थक कमल मित्रा चिनॉय हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज गुप्ता हमारे साथ हैं। साथ ही दिल्ली से ही बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अनिका मल्होत्रा मौजूद हैं। सबसे पहले पंकज जी, आप ही से मैं जानना चाहूंगी कि एक तरफा तरीके से बागियों को निकाला गया या आरोप लग रहा है, बड़ा सवाल ये है कि जांच क्यों नहीं हुई? और जो सवाल उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं कि जिन पर इन लोगों ने आरोप लगाया उन्हें ही अनुशासन समिति का सदस्य बना दिया गया। हाँ, पहला आपका सवाल है कि एक तरफा निर्णय कैसे ले लिया गया। तो आपको मैं बताऊं, इसमें कहीं भी कुछ भी एक तरफा निर्णय नहीं है। एक पूरी प्रक्रिया के तहत सारा काम हुआ है, जिसमें उन्हें एक शो कॉज नोटिस भेजा गया, जिसमें उनके खिलाफ जो भी आरोप थे उन्हें लिखकर भेजा गया, उनके खिलाफ जो भी एविडेंसेस थे वो भी उन्हें भेजा गया, उन्हें प्रॉपर समय दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें और समय चाहिए तो उन्हें और समय भी दिया गया, और उसके बाद जो भी जवाब आए, उन्होंने जो भी लिखा, जो भी अपनी सफाई में कहना चाहा, उनको पूरे 6 घंटे तक बैठकर पढ़ा गया, उन्हें समझा गया, उनके ऊपर ठीक ढंग से डिस्कशंस हुए, और उसके बाद जो निर्णय लिया गया वो निर्णय हमने आपको बताया। अब इसमें ये कहना कि ये एक तरफा निर्णय है, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। किसी भी पार्टी में कोई भी निर्णय अगर होते हैं तो इसी तरह से किए जाते हैं जी। तो मेरी उम्मीद है कि ये आगे से इसके ऊपर कोई भी लोगों के मन में दुराभाव नहीं रहना चाहिए कि ये किसी भी तरह से ये एक तरफा निर्णय था जी। पंकज जी, हमारे साथ कमल मित्रा चुनाव भी मौजूद है। कमल जी, आपको क्या लगता है, क्या ये निर्णय एक तरफ था या फिर एक तरफा था, या फिर उनसे पूछा गया, उन्हें नोटिस दिया गया, जवाब का इंतजार किया गया और उसके बाद फैसला लिया गया? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले भी इस पे काफी चर्चा हुई थी, कोशिश की गई थी कि दोनों पक्षों को एक साथ लाया जाए और बंद कर दो और ये दो यार
ऐसे नहीं, इसको निकाल लो और ये बंद करो। और कमल जी मेरी आवाज अगर अब तक आ रही जी, हाँ करीब जब एक कोशिश हुई थी आपके तरफ से कि जो बाकी लोग थे जो खुश नहीं थे आपसे, कि उनके साथ बातचीत करके, क्योंकि वो भी नेता थे आपके, कि उनकी कोई रिकंसिलिएशन कोई समझौता हो जाए, मगर जब वो नहीं हुआ तो फिर यही हो गया कि उन्होंने कुछ कहा, पार्टी ने उसको बुरा माना, फिर शो कॉज नोटिस दिया, फिर शो कॉज नोटिस पब्लिक हुआ और अब नतीजा ये हुआ कि चार लोग हमारे यहाँ से निकल गए। तो मुझे दुख उस बात की है। गुप्ता जी ठीक कह रहे हैं कि अनुशासन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मगर यदि चार लोग जो फाउंडर मेंबर्स थे वो निकल गए तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। मगर कोशिश की गई थी सुलह करने के लिए, समझौता करने के लिए, पर अफसोस की बात है कि वो हो नहीं पाई। पंकज जी एक सवाल आपसे, फाउंडर मेंबर जिन्होंने नींव रखी इस पार्टी की, प्रशांत, योगेंद्र, अजीत झा और प्रोफेसर अनंत कुमार, वही पार्टी में नहीं है, अब पार्टी की आधी अधूरी पार्टी नहीं रह गई है? ये कहना भी गलत है कि पार्टी आधी अधूरी पार्टी है। जैसा चिन्मय जी ने कहा, हम सबको दुख है कि हमें ये निर्णय लेना पड़ा, ये एक बहुत कठोर निर्णय था पार्टी के लिए भी, लेकिन कई ऐसे मुकाम आते हैं जहाँ पे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं पार्टी के भलाई के लिए। जिस तरह से जो भी कार्यप्रणाली चल रही थी वो पार्टी को एक बहुत बड़ा धक्का पहुँचा रही थी और इसलिए हमें ये कदम उठाने पड़े। आपने जो पूछा कि क्या ये आधी अधूरी पार्टी रह गई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली में जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है उससे सिर्फ आज नहीं लेकिन पिछले सालों से भी इतने सारे नए नए लोग पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, सब अपना समय दे रहे हैं, अपनी विचारधारा दे रहे हैं, सरकार के कामों को पूरा करने में अपना तन मन धन लगाकर बैठे हुए हैं, कई सारी समितियां बनी हैं जिसमें नए नए लोगों ने हिस्सा लिया है। तो ये कहना कि ये पार्टी अधूरी अधूरी पार्टी रह जाएगी ये बहुत गलत है। इस पर हमारे भी बहुत सारे सदस्य हैं, लाखों सदस्य हैं, देश भर में करोड़ों सदस्य हैं जो, और नए लोग आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, तो मुझे मैं नहीं समझता कि इसके कारण एक आधी अधूरी पार्टी रह जाएगी। लेकिन इस फिर पर भी आएंगे क्योंकि दिल्ली के कामकाज की आपने बात की पंकज जी, दिल्ली के कामकाज की आपने बात की, हम उस पर भी आएंगे ठीक 5:30 बजे, हम इसी पर बात करेंगे, आप भी हमारे साथ रहिएगा। कमल जी क्या आप मानते हैं कि अब पार्टी, क्योंकि चार दिग्गज फाउंडर मेंबर जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया अब वो पार्टी में नहीं, उनको निकाल दिया गया, क्या ये आधी अधूरी पार्टी नहीं रह गई? देखिए पहले भी कुछ साथी निकल गए थे, जैसे मधु निकल गई थी, मधु भादुरी, ये जो किस्सा हुआ था दिल्ली में कुछ महिलाओं के साथ जिसमें सोमनाथ जी पे आरोप भी लगे थे, तो वो छोड़ के चली गई थी और वो फाउंडर मेंबर थी, और भी कुछ लोग निकल गए हैं। ये दुख की बात है कि उन्होंने छोड़ दिया, मगर ये समझने कि हम में से कुछ लोगों का निकलना से पार्टी अधूरी रह जाएगी या कमज़ोर हो जाएगी, या जिस तरह से हम गरीब और मध्यम वर्ग के लिए काम कर रहे हैं कि वो कम हो जाएगा, मुझे लगता है कि वो कहना कुछ बहुत बड़ी बात होगी और सही नहीं होगी। चले यानी पार्टी अपनी रफ्तार से काम करती रहेगी। विजेंद्र गुप्ता, मधुसूदन आनंद सीनियर जर्नलिस्ट और अनिका मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। मधुसूदन जी के पास जाऊंगी लेकिन पहले एक रिएक्शन विजेंद्र जी से लेना चाहूंगी। जिस मकसद को लेकर पार्टी बनी थी, क्या लग रहा है कि आज वही मकसद, यानी एक अलग पार्टी या एक और पार्टी बनकर रह गई आम आदमी पार्टी, क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि एक और पार्टी से की डेफिनेशन को भी शायद, एक और पार्टी के डेफिनेशन को भी नवजोत ये शायद पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो साफ रूप से नज़र आ रहा है एक गुट सा नज़र आ रहा है, एक कोकस नज़र आ रहा है, और कुछ चंद लोग जो हैं वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इससे इस दल का एक बहुत तेज़ी से विघटन हुआ है, और वर्चस्व की लड़ाई में जो बी टीम थी इस पार्टी की वो जीत गई और ए टीम को उन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो ये जब ए प्लेयर्स धींगा मस्ती से पार्टी से बाहर निकाले जा रहे हैं और बी टीम पार्टी पर वर्चस्व की लड़ाई में कब्जा कर रही है, और जब सत्ता सामने आई तो ये लड़ाई शुरू हो गई, और उनको लगा बी टीम को
कि ए टीम को जब तक बाहर नहीं करेंगे हम ए टीम का स्थान नहीं ले पाएंगे, इसलिए ये छह और मात का खेल चल रहा है और उसी के तहत ये सब हो रहा है। और जैसा भी पंकज जी ने कहा हमारी सरकार अच्छी चल रही है, मुझे तो लगता है ये भी एक हास्यप्रद है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल में हम 40-50% ही काम। विजेंद्र जी, इस पर भी हम 5:30 बातचीत करेंगे, लेकिन आपने ये जो बात कही कि पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, मैं पंकज जी एक रिएक्शन इस पर आपका जानना चाहूंगी, क्या ये वर्चस्व की लड़ाई है? जैसा विजेंद्र जी ने कहा, ये ए टीम और बी टीम की लड़ाई है। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि ए टीम और बी टीम की लड़ाई नहीं है। सबसे पहले तो आप लोगों को मालूम होगा कि जैसे नेशनल काउंसिल में डिसीजन हुआ था, 247 लोगों ने एक तरफा निर्णय लिया था कि योगेंद्र जी को और प्रशांत जी को अभी नेशनल एग्जीक्यूटिव से बाहर रखा जाना चाहिए। तो इसमें वर्चस्व की लड़ाई का सवाल ही कहाँ रह गया, ए टीम और बी टीम की लड़ाई का सवाल ही कहाँ रह गया। विजयन जी आती हूँ, उस समय भी जो डिसीजंस हुए थे इसी बेसिस पे हुए थे। जी जी, आप अपनी बात खत्म कीजिए, मैं फिर विजयन जी के पास जाऊंगी। वर्चस्व की लड़ाई तो तब होती है जब कहीं मैं यही कह रहा था कि हाँ बोलिए जी पंकज जी, अपनी बात खत्म कीजिए। नवजोत, मैं दो लाइनें कहकर अपनी बात पूरी करना चाहता। अच्छा ठीक है, मैं विजेंद्र जी आ रही हूँ आपके पास, पंकज जी अपनी बात खत्म कर लें। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वर्चस्व की लड़ाई तो तब होती है जब कहीं पे ये माना जाए कि दो पार्टियां इस बात के लिए लड़ रही हों कि पहले कदम पर कौन है और कौन नहीं है। जहाँ पे ये बहुत साफ मायनों में दिख रहा हो कि सारी की सारी पार्टी, सारे के सारे कार्यकर्ता यही मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी पार्टी के इस समय नेता हैं, तो उस समय वर्चस्व की लड़ाई का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये लड़ाई अपने आप में एक अलग ढंग की लड़ाई। जिन पर आरोप लगे, मैं फिर से वही सवाल दोहरा रही हूँ, जिन पर आरोप लगे उन्हीं को आपने अनुशासन कमेटी में बैठा दिया और उसके बाद जवाब भी क्लियर नहीं आए। वही सवाल फिर से वही आता है कि हर पार्टी की एक प्रक्रिया होती है, हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव है, हमारी नेशनल काउंसिल है, हमारी नेशनल डिसिप्लिनरी कमेटी है, हर कमेटी ने कोई ना कोई निर्णय लिया, निर्णय बहुमत से लिया, एक पूरे पारदर्शिता से डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत लिया हर डिसीजन जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत लिया जाए। पर ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहां हुआ कि जिस पर आरोप लग रहे हैं उसी को आप कमेटी का में बिठा दीजिए, ये कहां से डेमोक्रेटिक प्रोसीजर हुआ? बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं बिल्कुल उसी पर आ रहा हूं, आप अगर मुझे एक मिनट दें तो मैं उसी पर आ रहा हूं। जी जी जी, नेशनल एग्जीक्यूटिव ने एक निर्णय लिया कि अभी उन्हें पॉलिटिकल अफेयर कमेटी से अलग रखा जाए, तो उन्होंने उस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया, ये कहा कि पॉलिटिकल अफेयर्स का निर्णय गलत था। नेशनल एग्जीक्यूटिव ने एक निर्णय लिया कि अभी पॉलिटिकल, नेशनल काउंसिल ने एक निर्णय लिया 247 वर्सेस 8 की तादाद में कि अभी इन्हें नेशनल एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाए, तो उन्होंने वो निर्णय मानने से इनकार कर दिया। नेशनल एग्जीक्यूटिव मिलकर बैठती है और एक अगर नेशनल डिसिप्लिनरी कमेटी बनाती है तो उसे वो असंवैधानिक करार देते हैं। तो इस तरह से तो अगर ये माना जाए कि कोई निर्णय अगर मेरे पक्ष में है तभी संवैधानिक है, तभी डेमोक्रेटिक है, अन्यथा वो नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये गलत है। चलिए, ओनिका मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की तरफ से। ओनिका जी, सब कुछ जो कुछ भी हुआ आम आदमी पार्टी में, क्या लग रहा है पारदर्शी तरीके से हुआ? देखिए नवजोत जी, आपने कहा आधी अधूरी पार्टी, जाहिर सी बात है जब कहीं की ईट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा तो जाहिर सी बात है मनमुटाव होंगे और तरह तरह के ओपिनियन आएंगे। और मुख्यमंत्री साहब ने जब शपथ ली उन्होंने कहा था कि भाई से वो भाईचारा, यही है पैगाम हमारा। तो आप देखिए जो ये कहते हैं ठीक उसका उलट करते हैं, बड़े बड़े एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए थे, पोस्टर वॉर्स निकाली गई थी, ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेसी, फाइट अगेंस्ट करप्शन, स्वराज, महिला सुरक्षा, वीआईपी कल्चर, कहते गए 49 डेज में जस्ट इसका उलट किया। और अभी भी जब 49 डेज खत्म हुए तब भी आपने इनकी परफॉर्मेंस देखी, जाहिर सी बात है माई वे और द हाई वे, ये वाली बात अरविंद केजरीवाल जी के साथ टाइम टू टाइम देखी गई। जब इन्होंने आपकी सबसे पहले जो इनकी थी जो बीजेपी जिन्होंने ज्वाइन कर ली है उनको भी इन्होंने इस तरह से
भागा रास्ता दिखाया था। तो ये प्रोसेस चलता गया है, अगर इनके आगे आप झुकेंगे, इनकी मानेंगे, तो आप इनके टीम में रहेंगे, नहीं तो आप बाहर। ठीक है, हमारे साथ मधुसूदन आनंद जी भी मौजूद हैं। विजयन जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, आऊंगी विजयन जी, बस एक मधुसूदन जी से एक रिएक्शन ले लूं। एक न्यूट्रल एम्पायर के तौर पर अगर आप इस पूरे मामले को देखें, क्या आपको लग रहा है सब कुछ सही तरीके से हुआ और सब कुछ ठीक हुआ? ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारत में पहली बार ऐसा लगा, बहुत गंभीरता पूर्वक लोगों को ये बात जची कि एक वैकल्पिक राजनीति करने वाली पार्टी आकार ग्रहण कर रही है और उसमें तरह तरह की विचारधारा वाले लोग हैं, वो एकजुट हुए हैं और उनका जो चेहरा है वो अरविंद केजरीवाल के रूप में है और वो देश में वाकई में पारदर्शिता के साथ और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, लोकपाल जैसी संस्था को स्थापित करने के लिए और जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं उन तक अपने दरवाजे खोलने के लिए एक काम करना चाहते हैं, उनकी भागीदारी लेकर कुछ फैसले करना चाहते हैं, एक नई तरह की राजनीति करवट ले रही है। लेकिन बहुत ही दुखद है कि इस पार्टी में जो कि अभी पूरी तरह से आकार भी जिसने ग्रहण नहीं किया था, उसमें पार्टी में मतभेद हो गए और मतभेद इतने गंदगी मतभेदों में उछली जिससे लोगों में एक तरह की ये छवि बनी कि ये पार्टी भी औरों की तरह पार्टी है। और जिस तरह से ये सब कुछ हुआ उसमें कम से कम लोगों को, ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि जिन लोगों को निकाला गया है उन्हें अवसर नहीं दिया गया अपनी बात रखने का और उनके साथ अन्याय किया गया है, ये जरूर लगा। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि इसके बावजूद ये पार्टी खत्म होने वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि सारी पार्टियां अगर आप देखें, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दीजिए या भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, सभी पार्टियां व्यक्ति केंद्रित हैं, उनका एक चेहरा है। नहीं, इस पार्टी को हम अलग मानते हैं, नहीं मैं यही मैं कह रहा हूँ कि तो इस पार्टी का चेहरा अरविंद केजरीवाल बन गए हैं और ये पार्टी उसी तरह की पार्टी बन गई है जैसी कि भारत में मौजूद है। अब इस पार्टी को पुरानी पार्टी जैसी बनाने का के लिए अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे ये आगे देखना होगा। यानी एक और पार्टी हम इसको कह सकते हैं, एक अलग पार्टी नहीं, ये एक और पार्टी बन गई है। बन गई है, चलिए, आधी अधूरी पार्टी ये हम कह रहे हैं। हालांकि हमारे साथ पंकज जी मौजूद है, वो बिल्कुल इससे सहमत नहीं है। विजयन जी कह रहे थे कि दिल्ली में जिस तरीके से खुद ही अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि एक टेन्योर में 40-50% काम भी अगर हो जाते हैं तो वो अच्छी बात है, ये बड़ी बात है। इस पर भी हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अपने संस्थापक सदस्यों योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के निकाले जाने के बाद आम आदमी पार्टी आधी अधूरी नजर आ रही है, तो इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल भी अपनी तरफ से इसे आधा अधूरा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्हें जनादेश पूरा मिला है लेकिन वो आधे वायदे निभाकर ही खुश हैं। आधे का ये इरादा जनता के उस भरोसे के साथ धोखा है जिसने चुनाव के दौरान किए उनके हर वायदे पर वोट का बटन दबाया। अब दिल्ली में मिलेगी 12 घंटे बिजली, सिर्फ आधी दिल्ली में लगेगा वाईफाई, खुलेंगे 500 नहीं सिर्फ 250 सरकारी स्कूल, क्योंकि ये आपका आधा वादा है कि 5 साल के अंदर 100% नहीं तो कम से कम 40-50% तो हम लोग पूरा कर देंगे और ये कोई बुरा नहीं होगा। जी नहीं, आपसे सुनने में कोई गलती नहीं हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भले आपने पूरा बहुमत दिया हो लेकिन वो आपसे किए वादों में से आधे वादों को निभाने में खुद को शाबाशी देना चाहते हैं। यकीन नहीं होता ना, लेकिन ये सच है। मुस्कुराते हुए माथे पर शिकन की एक भी लकीर के बगैर बड़ी आसानी से अभूतपूर्व बहुमत वाली सरकार का मुखिया कह देता है आधे वादे काफी हैं। एक बार फिर सुनिए वो बयान जो आम आदमी की सरकार की उस नियत पर सवाल उठाता है जिसकी चर्चा केजरीवाल हमेशा करते रहे हैं कि 5 साल के अंदर 100% नहीं तो कम से कम 40-50% तो हम लोग पूरा कर देंगे और ये कोई बुरा नहीं होगा।
ये बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सोमवार को दिया। हील हुज्जत के बाद लगा कि मंगलवार आते आते दिल की सुनी होगी, जमीर थोड़ा जागा होगा, बयान पर फिर सोच विचार किया होगा। लेकिन कहां जनाब, जब नियत में एक बार खोट आ जाए तो इतनी जल्दी कहां जाता है। महाशय बवाना में जल बोर्ड के कार्यक्रम में हिस्सेदारी करने पहुंचे, लोगों ने शिकायतों की पोटली केजरीवाल के सामने खोल कर रख दी, सवाल पर सवाल पूछने लगे। सीएम साहब को अब सत्ता संभाले 2 महीने का वक्त हो चुका है। जाहिर है वो मच गए हैं, मुश्किलें सुनकर ताव नहीं खाते, गुस्सा नहीं होते, बस मुस्कुराते रहते। ये जनता जो ऊपर चढ़ाती है 5 साल में जूते भी मारती है तो कहीं 5 साल, लेकिन आज कॉन्फिडेंस है कि 5 साल के अंदर 100% नहीं तो कम से कम 40-50% तो हम लोग पूरा कर देंगे और ये कोई बुरा नहीं होगा, इवन इफ वी आर एबल टू फिल हाफ ऑफ आवर प्रॉमिसेस। लेकिन जब लोग सवाल करना नहीं छोड़ते तो मुस्कान और तनाव के बीच वाले किसी जज्बात से जूझते हुए मुंह से जो निकलता है वो आधी अधूरी सरकार के आधे अधूरे भरोसे जैसा ही कुछ होता है। वो सोच रहे दिल्ली की सारी समस्या आज 5 मिनट में समाधान हो जाएगा। केजरीवाल के श्रीमुख से एक के बाद एक अजीबोगरीब बयान निकल रहे हैं तो पार्टी को इसमें भी कुछ गलत नहीं नजर आता, उल्टा वो इसे सियासी रंग देने का काम करती है। अरविंद जी ने जो कल बात कही है उस बात का मतलब यह है कि बीजेपी ने पहले 5 साल 1993 से लेकर 1998 तक और 1998 से लेकर 1913 तक जिस 2013 तक जिस तरीके का मेस बीजेपी एंड कांग्रेस ने क्रिएट किया, जिस तरीके से दिल्ली को बदहाल और बेबस करने का काम किया है, उसको ठीक करने में 5 साल कम है, उसको ठीक करने में 10-15 साल का वक्त लगेगा। सही कहा, शायद इसीलिए बवाना में गंदे पानी की जो बोतलें लोग मुख्यमंत्री साहब के पास बतौर सबूत लाए उसमें से हो सकता है पानी आधा साफ हो जाए। भाई आखिर मुख्यमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं आधे वादे भी पूरे हो सके तो काफी होगा, तो साफ पानी का वादा तो पूरा होने से रहा। आधे वादों वाली सरकार पर पूरा हमला भी शुरू हो गया है। बीजेपी के अश्विनी उपाध्याय ने ट्वीट किया, 2 महीने में अरविंद केजरीवाल को ज्ञान मिल गया, अपने वादे पर कहा कि 100% नहीं 40-50% वादे पूरे होंगे, 2 महीने और बीत जाने दो 25% पर पहुंच जाएंगे। जिस दिल्ली की पूरी जमीन नाप कर चुनावी मौसम में अरविंद केजरीवाल वादों की बरसात कर दी, लगता है उन बादलों का साया बहुत जल्द तपती हुई चुभती तेज धूप बदल लेगा। केजरीवाल आधे वादों का वादा करके अपनी मंशा जता चुके और उसके लिए भी 5 साल लेने की बात कह रहे हैं। ये उस जनता के साथ धोखा नहीं तो और क्या है जिसने उन्हें ऐतिहासिक जनादेश दिया। लेकिन लगता है कि सियासत के गलियारे में दाखिल होकर वो दिल्ली की गलियों के मुश्किलात से दूर हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो आधी अधूरी पार्टी इसीलिए हम कह रहे हैं। तमाम खास मेहमान एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। कमल मित्रा चुनाव हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी की तरफ से विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी की तरफ से हैं। मधुसूदन आनंद सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ओनिका मेहरोत्रा कांग्रेस की तरफ से, और पंकज गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। पंकज जी आप ही से सवाल, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले कुछ इसी तरह का इशारा विजेंद्र जी भी कर चुके हैं, आधी अधूरी पार्टी अभी तक हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि जो दिग्गज फाउंडर मेंबर्स थे वो निकल गए हैं, लेकिन उस पर आपने अपना जवाब रख दिया कि उनके जाने से पार्टी थमती नहीं, आप फोकस्ड हैं और आपका काम जो है वो दिल्ली की जनता देखेगी। लेकिन अब तो खुद केजरीवाल कह रहे हैं कि 5 साल में अगर 40-50% काम भी हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को मालूम चले कि कितने सारे काम मात्र 2 महीनों में पूरे कर लिए गए हैं। आपको मालूम है हमने पानी का जो वायदा किया था वो पूरा किया, हमने बिजली के दाम आधे करने का वायदा किया था वो पूरा किया, बसों में कमांडोज को बैठाने का काम पूरा किया, हेल्पलाइन करप्शन के अगेंस्ट हेल्पलाइन पे चालू करने की बात की थी वो हमने पूरी की। ये ऐसे कई सारे, अगर आप स्कूलों में देखना चाहेंगे तो करप्शन को किस तरह से कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं उस पर काम हो रहा है, अस्पतालों में दवाइयाँ मिलनी शुरू हो जाएँ उसके ऊपर काम हो रहा है। तो सबसे पहले दिल्ली की जनता को ये मालूम है, वो देख रही है कि उसकी आम जिंदगी में किस तरह से इस सरकार के आने से पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, किस तरह से उसे फायदा हो रहा है। ठीक है,
ठीक है अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी कहा होगा, 15 ऐसे वायदों की लिस्ट है उन्होंने, जो कि मैं पढ़ना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आपने वायदे पूरे किए। बस इस बात का जवाब दे दीजिए, अरविंद जी ने ये बात फिर क्यों कही कि 40-50% भी अगर वायदे पूरे हो गए तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा टारगेट रहेगा। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि टारगेट बहुत अच्छा रहा होगा, उन्होंने ये कहा कि 40-50% भी अगर वायदे पूरे हो जाते हैं तो जनता खुश हो जाती है। और ये बात सच है, जनता आज देश की जनता को ये आदत सी पड़ चुकी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या कहती है सत्ता में आने से पहले और उसके बाद वो जिस तरह से उनकी उनके कार्य प्रणाली को देखती है उससे वो बिल्कुल बुरी तरह से हतोत्साहित हो जाती है। पंकज जी, एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगी, एक मिनट के लिए जरा हम सभी लोग, हमारे साथ बहुत लोग पैनल में, सभी लोग जरा सुन लेते हैं क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, एक बार फिर से सुनवा देते हैं आपको। ये जनता जो ऊपर चढ़ाती है, 5 साल में जूते भी मारती है तो कहीं 5 साल, लेकिन आज कॉन्फिडेंस है कि 5 साल के अंदर 100% नहीं तो कम से कम 40-50% तो हम लोग पूरा कर देंगे और ये कोई बुरा नहीं होगा, इवन इफ वी आर एबल टू फिल हाफ ऑफ आवर प्रॉमिसेस। 5 साल में 100% नहीं तो कम से कम 40-50% तो हम पूरा कर देंगे और ये कोई बुरा नहीं है, ये बात कही अरविंद केजरीवाल ने। जी पंकज जी, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी कहा होगा, किसी किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है मुझे मालूम नहीं अभी भी, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं और पूरी पार्टी इस बात को जानती है, दिल्ली डायलॉग कमीशन एक पूरे युद्ध स्तर के ऊपर काम कर रहा है, 21 समितियां बन चुकी हैं, जो जिस समितियों में 70 पॉइंट का जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, उसके ऊपर अलग अलग टास्क फोर्स काम करना शुरू कर चुकी हैं, उसके ऊपर उन्होंने उन समस्याओं के ऊपर क्या क्या समाधान हो सकते हैं, किन किन वेंडर से मिलने की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह के वेंडरों से मिलने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। और आप इस बात का पूरा हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी सरकार अपने वायदों को पूरा करने में कोई भी कसर बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, ओनिका जी कुछ कहना चाह रही, मैं वापस आऊंगी पंकज जी, ओनिका जी से भी बात सुन लेते हैं। ओनिका से, ओनिका जी हमारे साथ, ओनिका जी। नवजो जी देखिए किस तरह से कॉन्ट्रेडिक्ट खुद कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं इनको ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं और इधर से बोल रहे हैं कि मैं विश्वास दिलवाता हूँ, तो किसकी माने जनता, मुख्यमंत्री साहब की माने या इनकी प्रवक्ताओं की माने जो ये कहना चाहते हैं। हमने शुरू से कहा ये यूटर्न पार्टी, इन्होंने बातें बहुत की हैं, इनको नवजोत जी कहीं ना कहीं पता था जो इन्होंने बातें की हैं फुलफिल नहीं कर सकते, इसमें टेक्निकलिटीज में डिफिकल्टीज आएंगी, तो तब क्या इन्होंने कहा था कि हमें 50% ही वोट दीजिएगा, तब तो उन्होंने 67 सीट ले ली, अब सत्ता में काबिज हो गए, अब अंदरूनी इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है कि जनता का पेंशन हो या जनरल जो बेसिक काम है वो भी पूरे होने नहीं है, महंगाई की अगर बात करें तमाम मुद्दों पे ये कुछ नहीं, सिर्फ दिल्ली को पॉज मोड में लगा के उन्होंने बिठा दिया है, इसके अलावा इनको सिर्फ अपनी फिक्र है। पंकज जी, क्या घमासान जो है उसका दबाव है कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर, जो घमासान उसका दबाव है? पंकज जी, ओनिका जी जवाब लेती हूँ पंकज जी से, क्योंकि आज सारे जवाब पंकज जी को ही देने हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो भी डिसिप्लिनरी कमेटी के कार्यक्रम हैं या जो उन्होंने कार्य किए हैं उसमें अरविंद जी का कोई भी दखल नहीं है, अरविंद जी पूरी तरह से सरकार को सुचारू रूप से चलाने में अपना पूरा समय दे रहे हैं, तो जो आप जो कह रही हैं मैं पूरी तरह से उसको बिल्कुल नहीं मानता हूं। पंकज जी, तभी उन्होंने कोई पोर्टफोलियो नहीं लिया, मैं फिर से कह रहा हूं पंकज जी, इसीलिए उन्होंने कोई पोर्टफोलियो नहीं है कि घूमते रहें फ्री रहें, कोई तो पोर्टफोलियो लेते, कोई तो काम पकड़ते, उन्होंने काम ही नहीं पकड़ा, एक डिप्टी सीएम बना दिया और छुट्टी पाए, कोई भी पोर्टफोलियो उन्होंने, हाँ तो यानी कि वो फ्री है, उनको फिक्र नहीं है कि क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा, पोर्टफोलियो नहीं लिया, सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि लोगों को निकाल दूं और मैं कोई भी पोर्टफोलियो डिक्टेटर बनके सत्ता पे काबिज रहूं, इसलिए शायद उन्होंने पोर्टफोलियो नहीं लिया क्योंकि उनको पता था वो काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर आप मुझे कहने देना जवाब ले लेते हैं पंकज जी से भी, ओनिका जी, पंकज जी अगर आप चाहती हैं, हाँ ये तो बहुत मैनेजमेंट में बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी एक हेड होता है उसकी कोशिश होती है कि वो हर डिपार्टमेंट के ऊपर पूरी तरह से नजर रख सके,
और इसलिए वो अपने ऊपर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं लेता है। जी, आप जी, कहीं भी देखें तो ये सेल्फ मैनेजमेंट है, एक्सेप्टेड इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। इसमें अगर उन्होंने अपने ऊपर कोई डिपार्टमेंट नहीं लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं की है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। विजयन जी आप भी रहिए हमारे साथ, क्योंकि विजयन जी का रिएक्शन भी यहाँ जरूरी है। बात वहां से ही शुरू हुई थी कि आधे अधूरे वायदे, और अब केजरीवाल कह रहे हैं कि वायदे आधे अधूरे ही पूरे होंगे, यानी 40-50% जो वायदों की वो बात कर रहे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। विजयन जी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ मधुसूदन जी हैं, कमल मित्रा चुनाव चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। आधी अधूरी पार्टी, विजयन जी आपके पास आना चाहूंगी। दिल्ली में 40-50% काम भी अगर पूरे हो जाए तो ये भी बड़ी बात है, 100% न भी हो पाए तो ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जो कि पूरे वायदे पूरे करने का दावा करते थे। मैं नवजोत ये जानना चाहूंगा कि महिलाओं की को सुरक्षा प्रदान करने की बात की जा रही थी और खुद हम महिला विधायकों के घर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में 15 लाख CCTV कैमरा लगाने की बात की जा रही थी, दिल्ली के वाईफाई करने की बात की जा रही थी, ऐसे अनेकों वायदे, लोकपाल कहाँ चला गया? तो मुझे नहीं लगता कि जिस मुद्दों पर आम जनता को भ्रमित करके इस पार्टी ने वोट प्राप्त किए हैं उनमें से एक भी वायदा ऐसा है जिस पर यह सरकार खरी उतरने की कोशिश कर रही हो। वो एक ही बात को लेकर के चलते हैं कि हमने बिजली की कीमत आधी कर दी, हमने पानी की कीमत आधी कर दी, मैं इनसे पानी की कीमत समाप्त कर दी। मैं इनसे जानना चाहता हूँ जी, जी, मैं अभी सिर्फ सरकारी खजाने से पैसा निकालकर बिजली कंपनियों को सौंपा है, ये काम ये करने से सरकार अच्छी चल गई इसको माना नहीं जा सकता। ये जो आप मुफ्तखोरी की बात आपने की है जी, कब जाकर के पूरी तरह से लोगों के सामने चरित्रार्थ हो पाएगी इसको समय बताएगा। मैं एक आखिरी रिएक्शन मैं मधुसूदन जी का लेना चाहूंगी। विजयन जी कि जो वास्तविकता में एक प्रशासनिक दृष्टि से काम करने के थे वो अभी यह सरकार नहीं कर पाई है। आपने जो बात उठाई है विजयन जी, मैं उसी पर एक सवाल मधुसूदन जी आपसे करना चाहूंगी कि जब चुनाव हो रहे थे तब तो ये बातें कही गई थी कि हमने सर्वे कराया, हमने रिसर्च कराई और उसी के आधार पर हमने मैनिफेस्टो बनाया और हम वो सारे वायदे पूरे करेंगे, यानी इसमें जो जो वायदे लिखे गए वो सब पूरे किए जाएंगे। चुनाव के बाद अब ये कहा जा रहा है कि 100% ना सही 40-50% पूरे हो जाएंगे। नहीं देखिए, असल में 100% वादे पूरा करना तो असंभव काम है। जैसे वो इसलिए जैसे क्योंकि वो रिसर्च की बात कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ समय पहले मोदी जी के एक सहायक ने, बल्कि कहना चाहिए उनके पार्टी के अध्यक्ष ने, कहा था कि मोदी ने जो बातें की वो तो जुमलेबाजी थी। तो ऐसी जुमलेबाजी होती है और ये पार्टी ने सिद्ध किया है कि ये पार्टी जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, जो नया परिवर्तन नई तरह की राजनीति करने के नाम पर सत्ता में आई थी, वो भी अपने आप को उसी ओर ले जा रही है जिस तरह की और पार्टियां हैं। तो उनको उनके वादों को भी ये समझिए कि वो जुमलेबाजी थी। पंकज जी, क्या ये जुमलेबाजी थी? एक आखिरी रिएक्शन आपका चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को पूरी तरह से नकारता हूं। सबसे पहली बात है, अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा वो ये कहा कि अगर 40-50% वादे भी पूरे हो जाते हैं तो जनता खुश हो जाती है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम लोग अपने वादे पूरे नहीं करेंगे। मैं फिर से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और पूरी शिष्टता से पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हमारी टीम अपने सारे वायदे पूरे करेगी। अभी विजेंद्र जी ने कहा कि वाईफाई इंप्लीमेंट नहीं किया और कई सारी चीज़ें उन्होंने कही, और तो मुझे मालूम है कि उन्हें बिल्कुल पूरी तरह से इस बात का अंदेशा है कि कोई भी इस तरह के काम 2 महीने में पूरे नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर वो आकर कभी हमारे साथ बैठे, वो एक विधायक भी है, कभी आकर हमारे साथ बैठे और देखें कि किस किस, अब आप सच बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री सच बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा, मैं फिर से कह रहा हूँ, हमने सुनवाई पंकज जी ये बात, मुख्यमंत्री ने, हाँ मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा, दो बार सुनवाई, हाँ मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि हम वायदे पूरे करेंगे। उन्होंने कहा अगर 40% वादे भी पूरे हो जाते हैं तो जनता खुश हो जाती है। उनका ये कहने का ये कदापि भी मतलब ना निकाला जाए कि हम अपने वायदे पूरे नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे कि हम किसकी बात पर यकीन करें। और चलते चलते हम आपको एक बार फिर से सुनवाते अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था।
ये जनता जो ऊपर चढ़ाती है, पांच साल में जूते भी मारती है तो कहीं पांच साल, लेकिन आज कॉन्फिडेंस है कि पांच साल के अंदर 100% नहीं तो कम से कम 40-50% तो हम लोग पूरा कर देंगे और ये कोई बुरा नहीं होगा। इवन इफ वी आर एबल टू फिल हाफ ऑफ आवर प्रॉमिसेस